यूजर बना लेंगे यहाँ पे, है ना। यूजर कर लेंगे, ठीक है। यूजर का नाम दे दो, है ना, कुछ भी देते हैं। चलिए आज कुछ भी दे दिया। ईमेल बता, LS44 4 ठीक है। यूजर का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं ना। याद रखना, ठीक है। कंपनी वगैरह सब देना जरूरी है, ठीक है। रोल पैसा भी दे सकते हो, है ना, अभी दे देते हैं। मार्केटिंग मैनेजर का भी ये देते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। लाइसेंस में देते हैं यहाँ पे सेलफोर्स, सेलफोर्स में एक ही यूजर बना सकते हैं। इनमें वो लिमिटेशन होता है, वो जब वो लाइसेंस में डिटेल में पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसे आ जाता है कि किस में कितने यूजर बना सकते हैं, मतलब एक लाइसेंस कितने यूजर को दे सकते हैं। ये जो है ना सेल्फोर्स वाला, वो एक यूजर को देंगे, फिर आगे चल के प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करके अलग अलग बना सकते हैं आगे देखेंगे बाद। उसके बाद प्रोफाइल यहाँ से स्टैंडर्ड यूजर दे देते हैं फिर आप, ठीक है। एक्टिव है ना, यहीं से एक्टिव डीएक्टिव एडिट करके कर सकते हैं, ठीक है। वापस आ गए, बाकी सब रहने दो। ठीक है, बन गया। पासवर्ड यहां से चेंज कर दो, लॉगिन तभी तो होंगे यहां से। ठीक है, इस ईमेल पे जाकर के देख लो, आ गया होगा पासवर्ड। क्या है तो? सर लिंक है, पासवर्ड है, मतलब हाँ क्लिक करो, पासवर्ड सेट करो लिंक पे। यूजर का नाम क्या लिखा था अपन ने अभी, अभी यूजर का नाम क्या लिखा था अपन ने? पासवर्ड क्या दिया? ठीक है,
इसको दूसरे ब्राउजर पे करना है ना, नया यूजर जो बनाया उस पर मत करना, तो वहां से एडमिन फिर वो लॉग आउट हो जाएगा, और फिर से यदि कुछ करना हो तो फिर हमें एडमिन में जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन लॉग आउट लॉग इन आउट ना, तो वो क्या करते करते वो परेशान हो जाओगे। यूजर का नाम यही था ना?